कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए अगर पूनावाला लंदन क्यों चले गए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश में अभी तीन प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन और तीसरी है स्पुटनिक, रशिया की बनाई हुई। और अभी स्पुटनिक के लिए इंडिया में डॉक्टर रेड्डी के साथ में 6 कंपनियों को परमिशन दी हुई है। अभी देखिए, अगर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बनाती है और कोविशील्ड मैक्सिमम लोगों ने कोविशील्ड ली हुई है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेस किया। देखिए, अभी कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का यदि कंपैरिजन करते हैं तो कोवैक्सीन ज़्यादा प्रभावी, ऐसा लोग बोलते हैं। है क्या वास्तविकता, मैं आपके सामने लाता हूँ। कोविशील्ड का जब लोगों ने पहला डोज लिया तो दूसरा डोज लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब ऐसा बोला था कि 28 दिन के बाद में आप दूसरा डोज ले सकते हैं। 28 दिन के बाद में यदि आप दूसरा डोज लेते हैं तो कोविशील्ड जो है वो सिर्फ 54% मतलब 54% ही परिणामकारक है यदि 28 दिन के बाद में लेते हैं। कोविशील्ड का यदि ज़्यादा इफेक्टिवनेस आपको चाहिए, ज़्यादा परिणामकारक चाहिए, तो आपको 42 से 56 दिन के बीच में लेना चाहिए। और यदि 42 और 56 दिन के बीच में आप लेते हैं तो वो 80% कारगर है कोविशील्ड। अभी देखिए, ये कोविशील्ड का हो गया। अभी कोवैक्सीन देखिए, कोवैक्सीन जो है वो 28 दिन में सेकंड डोज आप लेते हैं तभी भी वो 80% कारगर है। मतलब आप कंपैरिजन करते हैं तो कोविशील्ड 42 दिन के बाद में आपको 80% इफेक्टिवनेस देती है, तो कोवैक्सीन 28 दिन के बाद में ही आपको 80% इफेक्टिवनेस देती है। ये दोनों में फर्क है, अदरवाइज बाकी दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। ज़्यादा समय लेती है कोविशील्ड उतना इफेक्टिव होने के लिए, 42 दिन लेती है, और कोवैक्सीन जो है वो 28 दिन में ही उतना इफेक्टिवनेस देती है, बाकी दोनों में कुछ फर्क है नहीं। अभी तीसरी जो है वो स्पुटनिक है। स्पुटनिक वैक्सीन जो है, ये दो डोज जो है वो दो डोज अलग अलग है, दोनों डोज तरीके नहीं है, पहला डोज अलग है, दूसरा डोज अलग है। दो अलग अलग जो म्यूटेंट्स है वायरस के, उनको, वो जो लाइव वायरस है उनको इनइफेक्टिव करके वैक्सीन तैयार किया गया है। और ये जो वैक्सीन है ये 21 दिन में ही आपको इफेक्टिवनेस देगा, मगर 21 दिन में इफेक्टिवनेस देगा मगर वो सिर्फ 51% ही है। मतलब आपको यदि फास्ट इफेक्टिवनेस वाला कोई वैक्सीन चाहिए तो आपने स्पुटनिक लेने का है, 21 दिन में मगर वो देगा 51% ही। तो एनीवे वैक्सीन लेना ही चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद में भी लोग मरे, ऐसा नहीं कि लोग मरे नहीं है, मगर वो ज़्यादा कौन थे। देखो, 17 लाख लोगों का जब वैक्सीनेशन हुआ था तो उसमें से सिर्फ 6,000 लोगों को ही कोरोना हुआ, मतलब कोरोना होने का प्रमाण बहुत ही कम था। 17 लाख लोगों ने लेने के बाद में उसमें से 6,000 लोग, और उसमें से जो लोगों की डेथ हो गई, मौत हो गई, उसमें से जो भी डेथ हो गई होंगी उसमें से डॉक्टर ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लोग ज़्यादा एक्सपोज है कोरोना को, कोरोना वायरस को ज़्यादा एक्सपोज है, इसलिए उनको हुआ। अदरवाइज आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन से आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। कोरोना हुआ भी तभी आपको जैसे एक आधा फ्लू रहता है थोड़ी और निकल गया ऐसा हो जाएगा, वेंटिलेटर की और ऑक्सीजन की, हॉस्पिटलाइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं वैक्सीनेशन के बाद में। अब रही बात, अगर पूनावाला लंदन चले गए तो भी वैक्सीन प्रोड्यूस होंगी क्या? यस, होंगी प्रोड्यूस। उनके पास में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए, बड़ा बड़े ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अदर पूनावाला गए, मतलब कोई अदर पूनावाला थोड़ी काम कर रहे थे खुद वहाँ, वो लंदन गए तो इधर काम चालू है। ऐसा नहीं कि अदर पूनावाला लंदन चले गए तो भी होगा नहीं। दुख ये बात का है कि अदर पूनावाला ने अपने स्टेटमेंट में कहा, बाद में उन्होंने नकार दिया, पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनको बहुत धमकियाँ आ रही है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी धमकियाँ आ रही है और उनको वो कोविशील्ड की डिमांड कर रहे हैं। उनको पूछा गया कि कुंभ मेला और ये जो इलेक्शंस हमारे देश में हुए उसका कितना रोल है सेकंड वेव आने में, तो अदर पूनावाला ने ये बोला कि भाई मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे जान को ऐसा कुछ बोला तो खतरा हो सकता है। देखिए, हमारे देश को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, देश को इतनी जाने बचाएगा, इतना वो सब रोल कर रहा है, उसको लगता है कि भाई मैं सेफ नहीं हूँ देश में, जान को खतरा है, उसको ऐसा लगता है, वो बोल नहीं सकता है। मतलब ये कंडीशन हमारे देश की है, और उसको लंदन जाके वो ऐसा बोलता है कि भाई मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोग जो है वो मुझे धमकी दे रहे हैं। तो ये हमारे देश की हालत है। इसमें तुरंत गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, आप आइएगा और आप नाम बताइएगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बात अलग है, मगर वो सेफ नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। एनीवे, वैक्सीन लेना जरूरी है, वैक्सीन ले लो आप। वैक्सीन आप लेंगे तो डेफिनेटली आप कोरोना की मौत से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।